कोई भी भाजपा नेता मेरे घर के आगे आता है और मेरे अंदर आने की कोशिश करता है, सीधे उसके मुंह पे दरवाजा मारा जाएगा। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से एक बीजेपी को वोट नहीं देगा। विभाग से और शासन से आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन उनके कार्य में अभी तक प्रगति नहीं हुई है, जिसके कारण आज हम लोग सड़कों पर हैं। अभी तक हम लोगों को नियुक्ति मिल जाना चाहिए थी, लेकिन आज भी हम लोग नियुक्ति का रास्ता देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सिर्फ अपना गाल बजाना चाहते हैं और झूठ बोलना चाहते हैं। ऐसे मंत्री को आप इस समय शिक्षा की व्यवस्था देके रखे हैं, हमें लगता है इससे अच्छा वो पशु अगर मंत्री होते तो ज्यादा सही था। और जो सिर्फ एक ग्रेजुएट है, बीजेपी को समझना चाहिए कि जो इस समय शासन है वो पढ़े लिखे के हाथ में देना चाहिए। मामा जी, आपको कोई दया नहीं आती है कि हम लोग इस तरह हमारे बच्चों को लेके यहाँ भटक रहे हैं? आज हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, आज सवाल पूछेंगे सरकार से, उन शिक्षा मंत्रालय से, उस डीपीआई से जो इधर से उधर से घुमाने का काम करती है और लॉन्ग लपेट करती है। जब कभी भी शिक्षक जाते हैं ज्ञापन लेके तो भैया पीए सामने आते हैं। तो ऐसा है भैया, शिक्षा मंत्री से बोलना चाहते हैं, डीपीआई वाली मैडम से बोलना चाहते हैं कि भैया शिक्षा मंत्री अगली बार अपने पीए को खड़ा कर देना, क्योंकि वोट यहां पे जो शिक्षक है वो पीए को डाल के आएंगे, क्योंकि वो शिक्षक नहीं आता है सामने, वो मंत्री नहीं आता है। और आज शिक्षा मंत्री नहीं, आज इच्छा मंत्री रखेंगे और डायरेक्ट शिक्षकों से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और पद वृद्धि आचार संहिता के पहले पूरी होती है कि नहीं। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मैम, मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल होंगी सर, हमें पूरा यकीन है कि हम लोगों की मांगे पूरी हैं, क्योंकि मामा जी के वादे पे हमें यकीन है कि वो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले हर हाल में अपने वादे को पूरा कर देंगे, और हम इतने सारे लोगों को वो कभी निराश न करने की गलती कर नहीं सकते हैं भैया। मामा, पूर्ण विश्वास है, मामा से आस लगा कर बैठे हुए हैं आज शिक्षक, उस आस को ना टूटने दीजिएगा, क्योंकि ये वो शिक्षक है। 50% का ये वादा अधूरा नहीं रह सकता है किसी भी सूरत में। मुझे पूरा विश्वास है कि आचार संहिता लगने से पहले मामा जी हम लोगों के किए हुए वादे को हर हाल में पूरा ही करके रहेंगे। कह रहे हैं ये मामा का सिर्फ ट्वीट गिरी है, सिर्फ ट्वीट करना आता और कुछ उनको रियलिटी ग्राउंड लेवल पे कुछ करना नहीं आता। नहीं, वो सबकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। और लोगों से जानेंगे, पद वृद्धि होगी, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, इस समय आप लेके बैठे हुए हैं, लग रहा है कोई हल है? जैसा कि विभाग से और शासन से आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन उनके कार्य में अभी तक प्रगति नहीं हुई है, जिसके कारण आज हम लोग सड़कों पर हैं। अभी तक हम लोगों को नियुक्ति मिल जाना चाहिए थी, लेकिन आज भी हम लोग नियुक्ति का रास्ता देख रहे हैं। मामा जी, आपको कोई दया नहीं आती है कि हम लोग इस तरह हमारे बच्चों को लेके यहाँ भटक रहे हैं? पद वृद्धि की मांग लेकर शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री को जू भी नहीं रेंगती, अपने पीए को आगे करते हैं। और लोगों से हम उनकी मांगे पूछेंगे कि क्या वाकई पद वृद्धि होने वाली है, लग रहा है? पिछले दो वर्षों से लगातार शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं, पिछले दो साल से आंदोलनरत हैं, चाहे वर्ग एक के हो, चाहे वर्ग दो के हैं, चाहे वर्ग तीन के हो। ओबीसी का ऑलरेडी होल्ड लगा हुआ है, जानबूझकर होल्ड लगा दिया गया है, और पद वृद्धि का सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मामा जी लाडली बहनाओं की बात करते हैं, क्या ये लाडली बहना नहीं है? तो मामा जी युवा नीति की बात करते हैं, आज तक किसी युवा बेरोजगार जितने हैं किसी को, एक आदमी को, सिंगल आदमी की नौकरी नहीं लगी है। तो ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सिर्फ अपना गाल बजाना चाहते हैं और झूठ बोलना चाहते हैं। भैया झूठ बोल रहे हैं, और आपको बता दें लाडली बहना का यहाँ पे नाम लिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं को चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अगर होता है वो रोजगार होता है। कोई भी शिक्षक आत्महत्या कर लेता है तो इसका जिम्मेदार वो डीपीआई होगा, इसका जिम्मेदार वो शिक्षा मंत्रालय होगा, इसका जिम्मेदार वो इंदर सिंह परिवार होंगे। और लोगों से पूछेंगे क्या मांगे हैं अपनी? सर, हम लोगों की मांगे हैं कि वर्ग एक, दो और तीन, तीनों में पद वृद्धि की जाए। और अभी उन्होंने जो बोला था, कल हम लोग गए थे इंदर सिंह परमार जी के यहाँ गए थे हम, तो उनने दो दिन पहले बोला था कि पद वृद्धि कर रहे हैं हम। हाँ। और 10,000 तो वर्ग तीन में कर रहे हैं और बाकी और जो थी वैकेंसी वो वर्ग एक दो में दे रहे हैं। वो उनने ये वादा किया था और उनने बोला था आचार्य संहिता लगने से पहले हम ये पद वृद्धि पूरी करेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पता चला कि वो एकदम मुकर गए अपनी बात से, जो उन्होंने बोला था। तो वो बोलते हैं कि अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये था, सर
टेंडर प्रोसेस चल रहा है, उनने तो बोला था आचार संहिता के पहले हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बोला नहीं आप कुछ नहीं हो रहा है, आप ये सोचो आपको सब अभी के अभी चाहिए। मैंने कहा सर अभी के अभी नहीं चाहिए, हम 2020 और 18 वाले अभ्यर्थी हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा तुम्हारा, 2-3 महीने अभी लगेगा, मतलब 2-3 महीने लगेगा। उनकी कोई ऐसा मंशा नहीं दिखाई दे रही है कि वो हमको ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग देंगे ग्रेजुएट शिक्षा मंत्री जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी, पीएचडी नहीं करी, ऐसे मंत्री को आप इस समय शिक्षा की व्यवस्था दे के रखे हैं। हमें लगता है इससे अच्छा वो पशु अगर मंत्री होते तो ज़्यादा सही था। और जो सिर्फ एक ग्रेजुएट है, बीजेपी को समझना चाहिए कि जो इस समय शासन है वो पढ़े लिखे के हाथ में देना चाहिए।